शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा, मेरे जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम मेरे सामने 2007 मॉडल की टोयोटा पासो 1000 CC है। ये पेट्रोल में होती है गाड़ी। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो टोयोटा पासो का है और पासो के नाम है। ये शेप काफ़ी कॉमन है और आप सब ने देखी होगी, ये शेप आपको काफ़ी हमारी हर रोड पे नज़र आती है ख़ास तौर पे। और अगर हम इसको एक कहा जाए एक बेहतरीन बजट जैपनीज़ कार, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। गाड़ी के फीचर्स उस टाइम के हिसाब से, गाड़ी की एसेसरीज़, गाड़ी की हैंडलिंग, गाड़ी की फ्यूल एवरेज, गाड़ी की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सर्विस, मेंटेनेंस, ईच एंड एवरी थिंग, कोई इतना महंगा नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, रेडली अवेलेबल है और हर जगह से आपको मिलता है और सस्ता है। भी गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत है और अगर देखा जाए उस टाइम के हिसाब से क्रिस्टल लाइट्स काफ़ी अच्छी लगती थी, उस टाइम LEDs नहीं होती थी। एक और चीज़, टिंटेड ग्लास, बैक वाइपर, फैमिली प्राइवेसी, बैक लुक, डिग्गी में स्पेस, सारा कुछ है। अगर आप देखें बैक वाइज भी गाड़ी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है और आज भी गाड़ी की बहुत डिमांड है। जहाँ तक इंटीरियर का ताल्लुक है तो इंटीरियर भी गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत है और स्टेयरिंग भी आप देख सकते हैं, मीटर स्टेयरिंग, खूबसूरती, ब्यूटी आप चेक करें, द ब्यूटी ऑफ जैपनीज कार्स। उस टाइम का भाइयों, उस टाइम का ये 2007, 2006, 2007, 2008 का मॉडल है। आप देख सकते हैं मीटर में ही कितने ऑप्शंस हैं भाइयों, मीटर में कितने ऑप्शंस हैं। एवरेज भी देख सकते हैं आप गाड़ी की, इतना चल गई है, इतने साल चल गई है, जब अगर मेरा ख्याल कोई बच्चा था वो भी बड़ा हो गया होगा। एवरेज भी देख सकते हैं इतने साल, इतनी पुरानी गाड़ी की एवरेज, जैपनीज, यही क्वालिटी है भाइयों, यही मैं कहता हूँ। 15.4 मतलब आप देख सकते हैं इतनी पुरानी गाड़ी की एवरेज। ये है कि ये इन गाड़ियों को मैंने पहले बताया आप, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये टाइम पे चेंज करवाएं, इंजन ऑयल अच्छा वाला यूज़ करें और हाई ऑक्टेन का यूज़ ज़रूर करें। गाड़ी कभी तंग नहीं करती, हाई ऑक्टेन का ट्वाइस और 2 से 3 दफ़ा महीने में यूज़ करें, गाड़ी कभी तंग नहीं करती। स्टेयरिंग देखें, स्टेयरिंग की क्वालिटी उस टाइम के हिसाब से और आज के टाइम के हिसाब से भी काफ़ी खूबसूरत है, सॉफ्ट है, कटिंग इसकी बहुत प्यारी है गाड़ी की, स्मूथ है गाड़ी काफ़ी। जहाँ तक गाड़ी की साइड का ताल्लुक है तो साइड भी काफ़ी खूबसूरत है और अच्छी है और उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से लोगों ने इसको बहुत प्रेफरेबली वेलकम किया है और लिया है। और जहाँ तक पार्ट्स का भी ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले बताया, कोई इशू नहीं है, हर चीज़ इसकी गाड़ी की बहुत सस्ती है और गाड़ी एक परफेक्ट फैमिली कार है। अगर आपका कम बजट है आप लाजमी लें ये गाड़ी। स्पेस का जहाँ तक ताल्लुक है वो भी अच्छी खासी है और आप देख सकते हैं, पता चलता है ह्यूज स्पेशियस गाड़ी है और उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए काफ़ी स्पेशियस थी। और आज भी अगर हम देखें तो गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है, इसमें लेग स्पेस भी काफ़ी है और डिग्गी में भी आप अच्छा खासा इसमें लगेज डाल सकते हैं। एक चीज़ जो इसमें मुझे बहुत अच्छी लगती है वो इसका गियर है। आप सिर्फ देख सकते हैं गियर, जस्ट आपने इधर से प्रेस किया और ये जिस एक लीवर की तरह लगता है और काफ़ी खूबसूरत है। और एक इसमें अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, ये जस्ट एक बटन है, आप इसको दबा दें गियर में गाड़ी और लॉक हो जाता है, ये हिलता नहीं है। आप मतलब जैपनीज़ की चीज़ें देखें, आप क्वालिटी देखें, उनकी स्टैंडर्ड्स देखें, वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। और ये चीज़ें मैं कहता हूँ हमारी लोकल गाड़ियों में क्यों नहीं होती, इनमें क्या है, ये कौन सा कोई, ये कोई 2 लाख रुपये का हैंडल है जो आता नहीं है, पता नहीं क्या, मुझे तो समझ से मेरी बात बाहर है कि क्यों नहीं ये देते। और ये गाड़ी के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैंने इसे चलाया, ये मोटरवे पे 140 तक जाती है और इससे ऊपर भी जा सकती है, मैं इसे खैर 140 तक लेके गया हूँ। इतनी पुरानी गाड़ी को, इतनी पुरानी, यानी अगर आप देखें इतने पुराने मॉडल को जैपनीज़ की, आप यही देखें कि उसकी क्वालिटी क्या है। बाकी जहाँ तक देख सकते हैं एडजस्टमेंट भी है, उस टाइम लाइट की भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं, वाइपर की भी हैं, वाइपर की भी आप देख सकते हैं, बैक वाइपर का भी है, बाकी लाइट में भी इसके एडजस्टमेंट है। अगर आप देखें लाइट की भी एडजस्टमेंट है, मिरर की भी एडजस्टमेंट है और उस टाइम चाबी आती थी, पुश स्टार्ट वाले इतने ऑप्शन नहीं आते थे गाड़ियों में, अच्छी गाड़ियों में आते थे। बाकी इसके ये जो बटन्स हैं इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और हार्ड है, आप देखें पता चलता है, क्वालिटी देखें और मतलब बटन का आपको पता चलता है कि काफ़ी अच्छा है जिसे कहते हैं। और स्टेयरिंग का भी देखें और ये मटीरियल का देखें आप, कलर तक नहीं उतरा, आप देख सकते हैं कलर इसका, ये ओरिजिनल कलर में ब्लैक, उस टाइम ब्लैक आता था इनमें या बेज आता था, आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल कलर्स में है गाड़ियाँ। चलते हुए भी गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है, शेप सारा कुछ है, बस जस्ट इसमें थोड़ा फीचर जैसे मैंने पहले बताया वो नहीं है, बट काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत है, साइड लुक भी गाड़ी की अच्छी है, परफेक्ट फैमिली कार है।
देख सकते हैं आप, गाड़ी अच्छी लगती है, खूबसूरत है, बैक से भी फ्रंट से भी। तक ड्राइव का ताल्लुक है तो गाड़ी मैंने पहले ही बताया काफ़ी सॉफ्ट है, ड्राइविंग इसकी काफ़ी अच्छी है और मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। जस्ट एक चीज़ है इसमें, अगर आप, क्योंकि जरा पुरानी गाड़ी, थोड़ी बहुत आपको काम अगर आपने कराए हो, गाड़ी परफेक्ट हालत में हो तो गाड़ी कभी तंग नहीं करती। इसमें भी ये जस्ट एक दो काम मांगती, गाड़ी परफेक्ट है, इंजन भी इसका परफेक्ट है, गियर भी परफेक्ट है, इसकी ड्राइव, इसकी क्लियरेंस, और मेरा ख्याल है एक परफेक्ट फैमिली कार है, आपको ये लाजमी लेनी चाहिए। मैं इस गाड़ी की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा या मुझे किसने पैसे नहीं दिए हुए, जो सच है वही बताएं, जो चीज़ है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। काफ़ी लोग आपको जैपनीज़ के बारे में कहते हैं कि जो पुरानी जैपनीज़ गाड़ी जब आप लेते हैं उसमें काम काफ़ी करवाने पड़ते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है प्यारे भाइयों कि अगर वो गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी जो है काफ़ी उसका इंजन रुला हुआ है, रुली हुई हालत में, जापान से भी इवन रुली हुई हालत में आई है, या कोई यूज़ कार है, इधर किसी गाँव में चली है, कोई रेफ उसमें टेरेन में चली है, अच्छी नहीं हालत आपको लग रही, बॉडी ना देखें, गाड़ी इंजन और गियर देखते हैं और गाड़ी की सफाइयां देखते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो गाड़ी अच्छी चली, अगर नहीं है तो नहीं चली। तो ये चीज़ें एक लाजमी देखें कि अगर तो गाड़ी अच्छी हालत में है, इंजन गियर उसके ठीक है, पेंट का ना देखें, तो गाड़ी कभी तंग नहीं करेगी। जस्ट एक आपने उसमें हाई ऑक्टेन का यूज़ करना है, जैसे मैंने पहले बताया हाई ऑक्टेन का आप लाजमी यूज़ करें, थ्रॉटल बॉडी करवाएं, उसकी प्लग साफ़ करवाएं, ट्यूनिंग करवाएं, और गाड़ी आप फिर देखें, इन गाड़ियों में जान है, और जहां तक भागने का भी सवाल है, गाड़ी फ़ौरन पिक पकड़ती है, क्योंकि 1000 cc गाड़ी फ़ौरन पिक पकड़ती है, और मेरे ख्याल पिक भी बहुत अच्छी है गाड़ी की, और ये कि आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएं, एवरेज भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है 1000 cc के हिसाब से। जहाँ तक क्लियरेंस का ताल्लुक है तो आप देख सकते हैं गाड़ी की क्लियरेंस अच्छी खासी है, देख रहे हैं आप, अच्छी खासी है क्लियरेंस, क्लियरेंस का भी इशू नहीं है। बट अगर 5 से 6 लोग बैठ जाएं, जब थोड़ी सी लगती है, ज़्यादा नहीं, जस्ट माइनर सी है, इतना बड़ा कोई ये इशू नहीं है। आप स्पेस देख सकते हैं गाड़ी में, आप इधर भी कुछ रख सकते हैं, आप इधर कुछ चीज़ रख के कोई बच्चा भी बिठा सकते हैं, मतलब यही चीज़ें भैया जो मैं कहता हूँ, आप देखें सिर्फ ये देखें, कब आप मतलब आराम से आप लंबे सफ़र पे जाएं, इधर मतलब आराम से पानी की बॉटल रखें, ग्लास रखें, इजी हो के आप लॉन्ग ड्राइव करें। फिर इसमें ये बटन्स के भी देखें आप, उस टाइम के हिसाब से आप देखें, मतलब ईच एंड एवरी थिंग है कि बेल्ट नहीं बांधी तो उसका भी ऑप्शन है, मतलब इनकी क्वालिटी देखें, इतने साल चल के भी ये देख रहे हैं, इनका क्रोम नहीं उतरा, और ये भी अच्छे हैं, इसका मतलब एसी की थ्रो अच्छी है, एसी का इसका काफ़ी अच्छा इफेक्टिव एसी है, चिलिंग एसी है। डैशबोर्ड में भी अगर देखें, उस टाइम के हिसाब से गाड़ी में 2 एयरबैग थे, और जो कि इसके जो फुली लोडेड पैकेज है उसमें 4। लेग स्पेस भी देख सकते हैं, लेग स्पेस भी गाड़ी में काफ़ी है, गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैंने कोशिश काफ़ी की इसके बारे में, जो काफ़ी चीज़ें जो हैं मैंने बताई, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो भूल भी गई होंगी, क्योंकि इंसान है, ख़ताकार है, गलती भी होती है, भूल भी जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये आप सब के साथ भी होता है। बाकी यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना किया करें उसका, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, पॉजिटिव करें, क्योंकि हमारा मकसद जैसे मैंने पहले बताया अवेयरनेस का है, और जो सही चीज़ें उन्हीं का है, और मैंने मेरा ख्याल है किसी चीज़ के बारे में कोई गलत नहीं की, अंदाज़ में ज़रूर फ़र्क आ सकता है। बाकी इसको यही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ऐसी अच्छी और वीडियोज़ लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।